Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. If you are new to my channel, hi, my name is Bharti. Please take a moment and subscribe to my channel because here you will be getting the videos related to hair care, skin care, makeup, hauls and much more. So guys, today we will be talking about the moisturizers and आज हम oily skin के लिए मेरे top 5 favorite moisturizers के बारे में बात करेंगे. So without any further ado, let's start the video. So guys, before moving on to the moisturizers, I would like to tell you about my skin first so that you understand why I'm using these moisturizers. Guys, I have the combination skin. That means ki kabhi meri skin mujhe kafi zyada dry lagti hai and kabhi kabhi mera jo T-zone area hai, that is a bit oily. So generally in summers mera T-zone area jo hai wo oily ho jata hai and in winters mera pura jo face hai, that is so dry. So main on and off रहती हूँ मॉइस्चराइजर्स के लिए बिकॉज कभी मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ एंड कभी मैं कोई और मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. डिपेंड्स व्हाट सीजन इट इज एंड हाउ माय स्किन इज बिहेविंग. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट द कॉम्बिनेशन स्किन बिकॉज हमें स्विच करते रहना पड़ता है मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, टोनर्स, इन सब में इन सब पे स्विच होना होता है हमें बिकॉज वी कैन नॉट यूज अ सिंगल थिंग. एंड देयर आर सम मॉइस्चराइजर्स व्हिच आर मेड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन बट देयर आल्सो दैट डजंट वर्क फॉर मी इन द विंटर्स क्योंकि विंटर्स में मेरी स्किन कुछ ज्यादा ही ड्राई हो जाती है. आई विल स्टार्ट विद द मॉइस्चराइजर्स जो मैंने सबसे पहले यूज करना स्टार्ट किया था एंड मैं उसको करंटली भी यूज करती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चराइजर फ्रॉम Ponds. It is their light moisturizer and it is non-oily, fresh feel. It has vitamin E and glycerin. ये यहाँ पे लिखा हुआ है but guys इसके अंदर नायासिनामाइड भी है. आजकल बहुत ज्यादा ये फैंसी वर्ड हो चुका है नायासिनामाइड, हर चीज में इसको मैंशन कर दिया जाता है बट यू गाइज ये आपके हर किसी मॉइस्चराइजर में नायासिनामाइड होता है, जनरली होता है. सो इट ऑल्सो हैज नायासिनामाइड एंड इसका एक और वर्जन आता है इसी मॉइस्चराइजर का जो कि एक जेल वर्जन है. मैंने वो भी यूज किया है, वो मैं जनरली समर्स में यूज करती हूँ एंड दिस आई वॉज यूजिंग इन द विंटर्स एंड आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर. जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता है लगाने को तो मैं ये मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ एंड अभी भी मैंने इसको काफी ज्यादा यूज कर लिया है. एज यू कैन सी मैंने इसको बहुत यूज किया है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, यस इट हैज फ्रेग्रेंस, इट हैज, बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस पसंद है गाइज. आई जस्ट लव इट, इज सो फ्रेश एंड इट इज सो गुड एज वेल एज इट इज सो मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम. अगर आप ऑयली स्किन टाइप से हैं, इन समर्स यू कैन यूज दैट जेल एंड इन विंटर्स, क्योंकि जनरली विंटर्स में जो स्किन है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाती है. ऑयली स्किन है अगर आपकी तब भी आई गेस वो थोड़ा सा चेंज होती है और थोड़ा बहुत ड्राई साइड पर चली जाती है. सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस मॉइस्चराइजर. इट इज अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, नॉट अ जेल बेस्ड, नॉट अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. इट इज अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बट एट द सेम टाइम इट इज नॉन ग्रीजी एंड बिल्कुल भी सी बिल्कुल भी इसमें कोई भी ऐसा शाइन नहीं आती है, कुछ भी इसमें ऐसा ग्रीसी नहीं है एंड इट इज ऑल्सो कोलेजन फ्री. दैट मीन्स इट वोंट क्लॉग योर पोर्स, ये आपके पोर्स भी क्लॉग नहीं करेगा विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ऑयली स्किन अगर आपकी है ना, आपको वही मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे. अदरवाइज इफ योर पोर्स विल क्लॉग वो फिर एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं उसे. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज बाय मॉइस्चराइजर विच वोंट क्लॉग योर पोर्स. सो गाइज दिस इज माय नंबर वन मॉइस्चराइजर, आई लव इट सो मच. देयर आर अदर्स एज वेल बट ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज इट इज चीप. ये आई गेस ये छोटे वाली जो टब आता है दिस इज फॉर रुपीज 100 और ये भी काफी लंबे टाइम तक चलता है. तो 100 रुपए का मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा काम करने वाला है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा करता है, नॉन ग्रीजी है, नायासिनामाइड है, ग्लिसरिन है, इट हैज ample number of benefits. So if you are looking for an affordable moisturizer, you can go for this. Guys, my next moisturizer is the one जो कि मैं काफी time से use करती हुई आ रही हूँ. पहले Ponds का पहले use करती थी, उसके बाद I started using this moisturizer and it is made for the combination skin, but it is oil-free moisturizer and it is made for combination skin. और इसका जो texture है that is more like water-like texture. So I'm talking about
Neutrogena Oil Free Moisturizer. It is for combination skin. It is written over here. Like, this moisturizer is for combination skin. I have used it for like years. Maine isko at least 3 to 4 years use kiya and I still have this moisturizer. Mujhe bahut zyada pasand hai, se pump ke saath aata hai. But guys, iska jo texture hai, this is water like texture. Bilkul bhi greasy nahi hai. That is why I just love this one. Main isko summers mein use karti hoon, not in winters, because winters mein mere liye kaam nahi karta hai. As I already told ki meri jo skin hai winters mein wo ड्राई हो जाती है. सो दिस इज द वन. ये कैसे आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. यू वॉन्ट इवन फील दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर स्किन. और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली, बेस्ट फॉर योर स्किन. ऑल्सो गाइज, ये ना तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और ना ही बहुत ज्यादा चीप है. इट्स प्राइस इज 450 रुपए का मॉइस्चराइजर है ये, बट इट वर्क्स सो वेल. और ये वाला जो आपका बॉटल है, ये काफी टाइम तक चलता है. आई स्टिल हैव दिस मच लेफ्ट, अभी भी इतना मेरे पास बचा हुआ है, बिकॉज आई यूज इट इन समर्स. आई गेस समर्स में मैं यही यूज कर रही थी, उसके बाद विंटर्स आ गए, मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया. सो दिस इज माई सेकेंड मॉइस्चराइजर. इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू अ नाइट मॉइस्चराइजर. मैं एक नाइट मॉइस्चराइजर भी आपको बताऊंगी जो मैं यूज कर रही हूँ. नाउ आई विल मूव ऑन टू माई थर्ड मॉइस्चराइजर. एंड द थर्ड मॉइस्चराइजर, आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस मॉइस्चराइजर. नॉट रिसेंटली, इट हैज बीन मंथ्स नाउ, आई गेस 3 to 4 months हो चुके हैं. एंड दिस फॉक्सटेल मॉइस्चराइजर इज सो गुड इफ यू आर फ्रॉम ऑयली स्किन टाइप. एक तो सबसे अच्छी बात की ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है. आई थिंक 350 का है. लेट मी जस्ट चेक द प्राइस. यस, 395, सॉरी 395 का ये मॉइस्चराइजर है. बट गाइज, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है. इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, नायसिनामाइड, मरीन एल्गी, एंड इट क्लेम्स टू काम एंड सूथ एक्ने, बूस्ट हाइड्रेशन एंड प्रिवेंट स्पॉट्स एज वेल. एंड इफ यू आर हियरिंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉइज, इट इज माई बेबी गर्ल. शी इज वोकन अप नाउ, बट अभी शांत है, तो आई कैन मेक द वीडियो. सो गाइज, ये ऐसे टब में आता है. आई रियली लाइक द पैकेजिंग. मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा पसंद आई. एंड इट इज, जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे याद आता है दैट एक न्यूट्रोजिना का जेल मॉइस्चराइजर आता, जेल नाइट क्रीम आती थी. यस, अभी भी आती है, उसके जैसा कुछ कुछ लगता है. इट हैज दिस ब्लू जेल और काफी ज्यादा लाइट वेट है गाइज, काफी ज्यादा लाइट वेट है, वॉटरी टेक्सचर है एकदम, और मुझे बहुत पसंद है. इट इज वेरी नाइस, दो आई डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है फॉर मी, और यू माइट लाइक इट, बट मेरे लिए फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है. बट इट वर्क सो गुड फॉर योर स्किन. आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा गाइज. इट इज स्पेशली मेड फॉर एक्ने प्रोन स्किन, दोज ऑयली स्किन विच आर एक्ने प्रोन. इट इज मेड फॉर दैट. एंड ऑल्सो इट क्लेम्स दैट इट वर्क फॉर योर स्पॉट्स. आई डोंट नो अबाउट स्पॉट्स, मुझे स्पॉट्स का नहीं पता दैट वेदर इट विल फेड अवे योर स्पॉट्स और नॉट. बट येस, डेफिनेटली अगर आप ऑयली स्किन से हैं, दिस विल वर्क सो गुड ऑन योर स्किन. 95 में आपको इतनी ज्यादा क्वान्टिटी मिल रही है. I just love this. My fourth moisturizer is from Dot & Key, और मेरे पास इसका एक छोटू वाला वर्जन है, ट्रायल पैक है. मैं स्मिटन गई थी थोड़े टाइम पहले, तभी मैंने फॉक्सटेल लिया था और तभी मैंने ये लिया था. एंड जस्ट टू ट्राई की कैसा काम करता है. इट इज अ 72 hours हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर प्लस प्रोबायोटिक्स. एंड वेन दे से जेल मॉइस्चराइजर, इट इज अ वेरी गुड जेल मॉइस्चराइजर गाइज. एक तो इसकी पैकेजिंग, कैन यू सी हाउ क्यूट इट इज, कितना क्यूट है. इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आती है, डॉट एन की पैकेजिंग. आई जस्ट लव देयर पैकेजिंग, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एंड व्हेन आई सॉ दिस क्यूट लिटिल टब, आई जस्ट फेल इन लव विद दिस. आई वाज लाइक, फॉरगेट अबाउट द मॉइस्चराइजर, आई एम गोइंग टू बाय दिस बिकॉज ऑफ दिस क्यूट लिटिल टब. ये इसकी वजह से मुझे लेना था. एंड दिस इज द मॉइस्चराइजर. इसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, आई थिंक आई यूज इट ट्वाइस ओनली, क्योंकि अभी जेल मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि मैंने सर्दियों में ही लिया था ये, तो अभी फॉक्सटेल वाला भी इतना ज्यादा यूज नहीं किया है. एंड ये भी मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, बट टू चेक इट आउट, टू टेस्ट इट, मैंने कुछ टाइम तक यूज किया. लाइक आई थिंक आई हैव यूज्ड इट फॉर ट्वाइस ओनली, बट इट वर्क्स सो गुड गाइज. ये भी जेल मॉइस्चराइजर है. इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा फेमिलियर है, वेरी फेमिलियर. जब मैं स्कूल टाइम में जाती थी तो आई थिंक तब से रिलेटेड कुछ तो मैंने ऐसा स्मेल किया है. मुझे काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करा रहा है इस टाइम पे. आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेनेवर आई एम स्मेलिंग इट.
very nice and very familiar fragrance it is for me. Aur mujhe ye moisturizer bahut pasand hai. So you can buy this one as well. I will give you the price here ki iska price kitna hai. Because abhi maine iski bade wali quantity nahi li hai. I have this choto pack only and I got this for rupees 50 from Smitten, because jis din main Smitten gayi thi, luckily that day wahan pe sale lagi hui thi and everything was of rupees 50 or 80 maximum. Ek section to unka 50 wala hota hi hota hai, jo unka dusra MRP wala section tha wo 80 rupees mein aapko sare products wahan mil rahe the. So I got this for rupees 80, I guess. If you are hearing the noise, this is my little girl. The fifth moisturizer that I want to talk about is actually a night cream. And right now, mere paas ye night cream ka cream version hai. But iske andar ek night cream gel ka version bhi aata hai. So, kyunki again, I'm saying the same thing. Because winters aa gaye the, gel wala bhi tha mere paas, because main usko raat mein summers mein use karti thi. Winters ke liye maine ek cream version unka liya hai, and this is Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid Night Cream. Aur agar aap gel lenge, so same, bas usko night gel aata hai. Same packaging, everything is just the same. It's just that ye thoda zyada moisturization provide karta hai and keeps your skin moisturized for a long, long time. Aur thoda sa agar aapki dry skin hai, to uske liye bhi kafi zyada acha rahega. So, but same packaging mein aapko ek gel moisturizer bhi milta hai. I don't have it right now kyunki wo khatam ho chuka hai. Main ye use kar rahi thi. Aisi hi packaging hai and I guess price bhi same hai. I got this for rupees 1250. Neutrogena pe hardly kabhi discount aata hai guys. Even Nykaa ki jab sale lagti hai, then I am always checking out ki Neutrogena pe koi na koi discount aa jaye, but is pe hardly mujhe koi discount milta hai. Agar koi discount milega bhi to I guess 10% maximum discount milta hai, wo bhi shayad hi milta hai. Otherwise Neutrogena pe koi discount nahi hota hai, to mujhe itne hi iske MRP pe hi lena padta hai mostly. But guys, bahut hi achhi night cream hai. I am telling okay you guys, so now she is here with me again because काफी देर से जगी हुई थी और फिर ये रोने लग गई. So I had to hold her. Now अभी जितना भी वीडियो बचा है I will do with her only. So Kridha, we will start the video. Start कर ले. Oh, okay. So guys, I was talking about these two creams. एक Neutrogena है, एक Pond's है. दोनों का ही जो gel version आता है, they both are quite similar. I know इसका प्राइस बहुत ज्यादा है Neutrogena का, इसका प्राइस बहुत कम है. बट अगेन, अगर आप कोई अफोर्डेबल वर्जन ढूंढ रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज स्विच द नाइट जेल विद द पॉन्ड्स जेल. काफी हद तक सिमिलर आपको मिल जाता है और आप कह सकते हैं एक अफोर्डेबल ड्यूप हो जाता है वो उसका. बिकॉज मैंने जब भी उसको अप्लाई किया है तो मुझे सेम फील मिलता है. कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है. दोनों ही सेम लेवल पे मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं. दोनों ही जेल बेस्ड है और दोनों की फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है. सो गाइज, दीज वर दी फाइव मॉइस्चराइजर्स. बट I am here with one more product that is not actually a moisturizer and but it works like a moisturizer. So guys, the product I'm talking about is from the Face Shop and it is the Rice Ceramide Moisturizing Emulsion. And this is basically the lighter version of your moisturizing cream. So ye kafi zyada acche hote hain agar aapko bahut aise thick cream nahi lagani hai, aapko kuch lighter version lagana hai moisturizing cream ka. So these are the one that you can use. Also, इस पे लिखा हुआ that it is for all skin type and it is suitable more for the dry skin. But guys, it has the water-like texture and I think this will work good for oily skin type as well. मैंने इसको summers में भी use किया है and winters में भी use किया है. मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर oily skin है तो ये ज़्यादा clog कर रहा है या ज़्यादा greasy कर रहा है मेरी skin को. No, it was so good as well as ये hydration भी काफी ज़्यादा अच्छा provide करता है. So you can try this one as well. I think this cost rupees 1000 or 850 something. I am not very sure. I don't remember the price. मैं आपको price दे दूंगी. I guess 800 or 850 के around ही इसका price है. But it is a very good product that you can use, guys. I am telling you. मैंने इनका पूरा एक skin care routine लिया हुआ है, जिसमें एक toner है, एक emulsion है और एक moisturizer है.
their moisturizer is quite thick, काफी ज़्यादा thick है, so it is very good for dry skin type. मैं एक video dry skin type के लिए भी बनाऊंगी जिसमें मैं moisturizers आपको बताने वाली हूँ, my top 5 moisturizers for dry skin. Soon I'll come up with the video. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये video पसंद आया है, please like, share and subscribe to my channel. ऐसे ही और videos मैं आपके लिए लाती रहूँगी. तब तक के लिए bye bye, take care.